नमस्कार, जाने अनजाने तथ्य की एक नई कड़ी में स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पटना के कृष्णा घाट पर, जिसके समीप ही पटना विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अवस्थित है। यह पटना का सबसे लंबा घाट है, जिसकी कुल लंबाई 119.5 मीटर है। पटना के अन्य घाटों की तरह ही इस घाट का भी शहर की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से गहरा नाता रहा है। मुगल काल में यह अफजलपुर मोहल्ले का हिस्सा हुआ करता था। नदी के किनारे बादशाही गंज नाम का एक बाजार हुआ करता था, जो आज के कृष्णा घाट से लेकर गांधी घाट के इलाके तक फैला हुआ था। इसी इलाके में मेजर कार्निक की अगुवाई वाली अंग्रेज सेना और शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं का 3 मई 1764 को पटना का प्रसिद्ध संग्राम हुआ था। अशोक राजपथ से घाट की ओर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ों की हरियाली आपका बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और ऐसी शांति का अनुभव होता है जैसे लगता ही नहीं कि हम पटना के व्यस्ततम इलाके अशोक राजपथ से सटे किसी स्थान में जा रहे हैं। घाट पर प्रवेश करने से ठीक थोड़ा पहले बाईं ओर पश्चिम की तरफ मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान का भवन है। यह भवन कभी बिहार के प्रसिद्ध शिक्षाविद सर गणेश दत्त सिंह का आवास हुआ करता था, जिसका नाम कृष्णा कुंज था। बाद में उन्होंने अपना यह भवन पटना विश्वविद्यालय को दान में दे दिया, और उनके इसी भवन कृष्णा कुंज के नाम पर यह घाट कृष्णा घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। घाट से ठीक पहले दाहिनी ओर ड्रेनेज पंपिंग प्लांट है, जहां शहर का गंदा पानी साफ होकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद जैसे ही आप घाट की ओर कदम बढ़ाते हैं, आप एक अलग ही नज़ारे, एक अलग ही प्राकृतिक खूबसूरती में खो जाते हैं। कई घाटों की तरह यहां भी आपको कुछ मंदिरों के दर्शन करने को मिलते हैं। नदी के किनारे बनाए गए कुछ साल पहले रिवर फ्रंट सैर सपाटे के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान है, और घाट से सटे जो मधुबनी पेंटिंग है, उसका दृश्य तो देखते ही बनता है। आपकी नज़र जैसे ही उस पर पड़ेगी, आपके मुंह से अनायास ही तारीफ के शब्द निकल पड़ेंगे। आइए मेरे साथ और खो जाइए गंगा के किनारे स्थित इस कृष्णा घाट के खूबसूरत नज़ारों में।
आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और आपसे गुजारिश है कि कम से कम आज की वीडियो तो 100 लाइक्स का टारगेट तो पूरा करवा ही दीजिए।